हेलो माय टूटू फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माउस से रिलेटेड। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ही सारे मुझे कमेंट आए थे माउस के रिलेटेड कि यार ऑक्टोपस एप्लीकेशन के अंदर मेरे माउस में बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। जैसे माउस का कर्सर ब्लू है बट फिर भी वो 360 रोटेट नहीं कर रहा है, तो मैं आज आप लोगों का यही बताऊँगा कि कैसे आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यार, बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने इंट्रो अभी स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। एंड सबसे पहले मैंने कीबोर्ड वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा माउस है वो 360 वर्क कर रहा है, लेकिन आप लोगों में ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है? तो यार, आप लोगों में एक सेटिंग मिस रहता है, इसीलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैं सेटिंग में दिखा दूँ तो शूट मोड शॉर्टकट का भी ऑप्शन है, बट अभी यहाँ पे अभी मैं थोड़े देर में ही आप लोगों को दिखाऊंगा, तो यार वो ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट गायब हो जाएगा और मेरा माउस जो है वो 360 वर्क नहीं करेगा। बस आप लोगों में यही एक प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहले मैं बटन ऑफ ड्यूटी थोड़ा लो कर लेता हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी यार बहुत ही सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑक्टोपस एप्लीकेशन के रिलेटेड भी और पांडा माउस प्रो के रिलेटेड भी। तो यार, मैं पांडा माउस प्रो पे मैं कुछ वीडियोस को बनाया हूँ, तब मुझे बहुत ही सारे कमेंट आए थे कि यार इसको एक्टिवेट कैसे करें और मुझे समझ नहीं आया। हालांकि मैंने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है बट आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और उस टॉपिक पर बना दूँ और मैं आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन कर दूँ। बाय द वे, यहाँ पे भी हम पहुँचते हैं माउस के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे चले जाना आप लोगों को सेटिंग में, एंड उसके बाद मेन प्रॉब्लम जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो आप लोगों का की मैपिंग है वो आप लोग समझते हैं ये की मैपिंग तो कोई काम का नहीं है और आप लोग इसको कट कर दे तो यही आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है, या फिर आप लोग इसको की मैप करते ही नहीं हो। अगर मैं इसको कट कर दूं और उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहां पे आकर दिखाऊं, तो यार मैं जो की प्रेस कर रहा था वो की प्रेस कर रहा हूं तो ये माउस का कर्सर मेरा हाइट नहीं हो रहा है और ये माउस मेरा 360 वर्क नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे मैं जो भी क्लिक करूँ गेम के अंदर वो क्लिक हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, और यहाँ पे देख सकते हो शूट मोड शॉर्टकट और पीओवी स्पीड भी चला गया, मतलब सेटिंग से। तो यार, ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SIGHT साइड या फिर जो भी हो, ये की मैप आप लोगों ने नहीं किया। अगर आप लोगों को ये की को रखते हो और इसको बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको अपने लेफ्ट साइड में कोई हाल में नहीं रखना है। अगर यहाँ पे रखोगे तो बहुत ही सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोगों को इसको राइट साइड पे जहाँ भी आपका कोई सा भी की ना हो, एकदम खाली जगह हो, वहाँ पे आप लोगों को इसको रख देना है। एंड उसके बाद मैं सेटिंग में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे शूट मोड शॉर्टकट भी आ रहा है और साथ में पीओवी स्पीड भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कीवर्ड वाला सी की प्रेस कर देता हूँ शूट मोड शॉर्टकट में। एंड उसके बाद अब मेरा ये 100% 360 वर्क करेगा। बस यही प्रॉब्लम आप लोगों में रहता है। और अब देखो यहाँ पे मैंने जो की शूट मोड शॉर्टकट में प्रेस किया था वही की यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा माउस का कर्सर भी हाइड हो जा रहा है और साथ ही में मेरा जो 360 का वर्क है वो भी कर रहा है। बस आप लोगों में यही प्रॉब्लम रहता है कि यार आप लोग मतलब 360 वर्क में वो जो की मैप था तो वो आप लोगों में मतलब किए ही नहीं, या फिर आप लोगों में था और आपने उसको कट कर दिया। बस आप लोगों में बस यही प्रॉब्लम रहता है, बस आप लोग इसी की मैपिंग को की मैप कर लो, उसके बाद 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ गेम प्ले भी निकाला हूँ, तो यार वो गेम प्ले भी इंजॉय करो। एंड आई होप क्या कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और आप में जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करने की पूरा फुल कोशिश करूँगा और मुझसे सॉल्व हो गया तो मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। ओके, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो थंबनेल सबसे पहले उसी पर अपलोड करना, उससे आप लोगों को पता लगता है कि कौन से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो यार वहाँ पे 200 और फॉलोअर्स हुए हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी फॉलो कर लो।